biggest South Asian media group, Y Media. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर जसवाल, आई एम द ग्रुप एडिटर एट वाई मीडिया। वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से आप सभी का चैनल वाई पर, रेडियो वाई पर बहुत बहुत स्वागत है। बतौर ग्रुप एडिटर वाई मीडिया मैं सुधीर जसवाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। ही इज बीन द टू टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, इज ऑल्सो द मेंबर पार्लियामेंट एट राज्यसभा राइट नाउ। वी लाइक टू वेलकम दिग्विजय सिंह जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन वाई मीडिया। सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आपसे सवाल है कि मोदी साहब की गाड़ी कैसे चल रही है? लगभग 10 साल मोदी साहब ने राज किया है भारत पर, बीजेपी का राज रहा है, तो क्या लगता है आपको, भारत देश सही दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, या ठीक ठाक चल रहा है? कैसी गाड़ी चल रही है देश की? युधवीर जी, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो एक अलग, तो मैं कहूंगा कि वे बड़े सफल रहे मुख्यमंत्री, सबसे पहले मुख्यमंत्री की शपथ ली, बाद में विधायक की शपथ ली उन्होंने, तब से लेकर आज तक वे बड़े सफलता से मुख्यमंत्री का पद संभाला, प्रधानमंत्री का पद संभाला। अब आपने कहा उनकी गाड़ी कैसे चल रही है, ये तो भारत की जनता से पूछिए जो महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है, और पूरे देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। साथ में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो प्रजातांत्रिक मूल्य थे, वे बलाए ताक रख दिए जाते हैं, और कानून इस तरह से पास कर देते हैं जैसा कि कोई चर्चा की आवश्यकता ही ना हो। छोटी छोटी बातों पर वे जिद पकड़ लेते हैं और मजबूरी में विपक्ष को आंदोलन करना पड़ता है और हाउस को डिसरप्ट करना पड़ता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि उनसे बेहतर कोई मार्केटिंग का व्यक्ति नहीं हो सकता है। हर चीज को वो इवेंट में बना देते हैं, जैसे कि पहले के रोमन अम्पायर में जो वहां के राजा हुआ करते थे वो लोगों को तमाशा दिखाया करते थे, और तमाशे में सारी बातें उनकी असफलता छिप जाती थी। वही हाल मोदी जी का है, वे हर छोटी चीज का इवेंट बना देते हैं और उसको फिर मीडिया के माध्यम से और अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से उसे वो इस प्रकार का कर देते हैं कि सारी जो उनकी बुराइयां हैं, असफलताएं, वो छुप जाती है। तो पूरे उन्होंने किए नहीं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, अव्यवस्था फैलती जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्म के आधार पर पोलराइजेशन हो रहा है, जो धार्मिक उन्माद फैल रहा है, उससे यहाँ की शांति व्यवस्था को खतरा बना हुआ है। इन सब चीजों को अगर आप देखें तो उनकी गाड़ी चल तो बड़ी तेजी से रही है, लेकिन डायरेक्शन जिस प्रकार का उन्होंने लिया हुआ है, जिस प्रकार से देश को एक जो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत रिलीजियस डाइवर्सिटी की, फेडरल स्ट्रक्चर की, उसको तोड़ा जा रहा है, इसलिए हमें इस बात की चिंता है कि उनकी गाड़ी तो बहुत तेजी से दौड़ रही है लेकिन किस डायरेक्शन में जा रही है ये देश के लिए ठीक नहीं है। द बिगेस्ट साउथ एशियन मीडिया ग्रुप, वाई मीडिया।